छोड़ दे सकीना को, एक बार छोड़ चुका हूं। सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी तो खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने आपने तो उसे जीते जी मार डाला। बकवास बंद कर, हमारे वतन पे तेरे पैर रखने की हिम्मत कैसी हुई? बहुत खून बहाया था तुमने हमारी बहन बेटियों का। क्या तुमने हमारी बहन बेटियों का खून नहीं बहाया था? मेरे बाप, मेरी बहन, सबको मार डाला था तुमने। लेकिन वो एक जुनून था जो कि वक्त के साथ गुजर गया। मैं नफरत बुला चुका हूं, आप भी बुला दीजिए। नफरत बुला दूं? मेरा बस चले तो तुम हिंदुस्तानियों को एक केक को गोली से उड़ा दूं। तुम हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाने की बात कर रहे हो आप? अरे पूरा दुनिया जानता है कि जब बंटवारा हुआ था तो हमने आपको 65 करोड़ दिए थे, तब जाके आपके सर पे तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं, और बात करें गोलीबारी की, अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो सबके सर काट भी सकता हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज रिपब्लिक डे है, तो आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। और हाँ, रिपब्लिक डे पे आपको पता है कि पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, पैट्रियोटिक मूवीज आती हैं टीवी पे, और नेशनल एंथम हर जगह लगाया जाता है। तो बॉलीवुड कहाँ पे पीछे रहने वाला था? कल पठान और किसी का भाई किसी की जान, और आज रिपब्लिक डे पे है। जी हाँ दोस्तों, तो गदर मूवी जो कि मैंने थोड़ी सी डायलॉग बाजी करके और बीजीएम का म्यूजिक सुना के आपको बताया। हाँ दोस्तों, गदर 2 आने वाली है 15 अगस्त 2023 को। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम नहीं, पूरा विश्व जो है, वर्ल्ड जो है, हिलने वाला है, क्योंकि सनी देओल इज बैक विद अ बैंग। और हाँ, ये मूवी एक अलग ही रिकॉर्ड तोड़ेगी। अलग ही मतलब रिकॉर्ड क्या, ये मूवी इतनी हाउसफुल होंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते यार, सोच भी नहीं सकते। इस मूवी का जो नेगेटिव ड्रॉबैक होगा ना, वो दो होंगे। एक विलन कौन होगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि अमरीश पुरी ने यार मतलब एक्टिंग बहुत, अमरीश पुरी जी ने एक्टिंग बहुत ही बढ़िया की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और दूसरा कि ये जो मूवी की पूरी स्टार कास्ट है ना, जो 4 लीड रोल्स में, 3 लीड रोल में होने वाले हैं और एक डायरेक्टर है, इनका जो करियर कोई 6-7 साल से चल नहीं रहा, 10 सालों से। पहले बात करो तो डायरेक्टर अनिल शर्मा की, इनकी मूवी वीर, उसके बाद सनी देओल के साथ 2-3 आई हैं जो कि पिट गई थी, फ्लॉप। उसके बाद बात करो अमीषा पटेल की, जो कि दिख ही नहीं रही, उसके रेस 3 में, सॉरी रेस 2 में दिखी थी उसको, वो भी उनका सपोर्टिंग माइनर सा, थोड़ा सा एक्सटेंडेड कैमियो था। फिर उसके बाद बात करो उत्कर्ष शर्मा की, जो कि स्टार्टिंग की थी उन्होंने इंट्रोड्यूसिंग गदर के साथ, बट जो लीड रोल किया बड़े होते वो, तब वो बच्चे थे, तो तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, मतलब जीनियस मूवी आई थी जो कि फ्लॉप हो गई थी। तो उसके बाद बात करें तो सनी देओल जी की, जो कि एक टाइम पे घायल, मैं कह रहा हूं जीत, गदर, हीरोज, कितनी ब्लॉकबस्टर दी हैं, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंसी में दी हुई हैं। फिर एक टाइम पे उनका टाइम नहीं, मतलब टाइम था, फिर उसके बाद धीरे 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 करके उन्होंने कुछ अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं चुनी, फिर सपोर्टिंग रोल ये वगैरह वो, फ्लॉप पे फ्लॉप, तो उनका करियर जो है डाउन में आ गया। फिर सलमान शाहरुख, इनका टाइम चढ़ गया। तो अब ये चारों जो है फ्लॉप चल रहे हैं, बट इनको सहारा चाहिए था एक चीज का, जो कि को रिलेट करता है, सनी देओल को भी को मतलब बांध के रखता है, एक ही चीज को कनेक्ट करता है, वो है गदर मूवी। तो इनको अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी इतने सालों से, तो अब 3 साल कोविड में इनको स्क्रिप्ट मिली। तो मैंने डायरेक्टर अनिल शर्मा का इंटरव्यू देखा था, जो कि अपने मूवी भी बना रहे हैं, अपने 2, तो अपने मूवी भी बहुत अच्छी थी। मैं जब भी आया टीवी पे या देखता हूँ, यूट्यूब पे भी कभी कभार देखता हूँ, वो फैमिली मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो अब अनिल शर्मा ने सोचा कि क्यों ना एक तीर से 4 निशाने लगाए जाए।
अमीषा पटेल का भी करियर चल नहीं रहा, उत्कर्ष का भी नहीं चल रहा, और डॉक्टर ये सॉरी अनिल शर्मा का भी नहीं चल रहा, और सनी देओल का भी करियर नहीं चल रहा। तो इन्होंने सोचा कि एक ही चीज़ बांध के रखती है, गदर। तो गदर 2 बनाई जाए, बट वो स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। तो अब देखने लायक ये होगा, मूवी तो चलेगी, नो डाउट मूवी चलेगी। अगर मूवी की स्क्रिप्ट, मैं कह रहा हूँ, बढ़िया कंटेंट बढ़िया हुआ ना, तो ये जो पठान का रिकॉर्ड 50+ है ना फर्स्ट डे का, ये टूट जाना भाई। अगर ट्रेलर दमदार हुआ तो टूट जाना है, ये टूट जाएगा रिकॉर्ड। और थिएटर इतने फुल होंगे ना, टिकटें नहीं मिलेंगी, ये मैं लिख के देता हूँ। तो अब देखने लायक होगा कि नेगेटिव ड्रॉबैक जो है, विलन कौन होगा नंबर 1, और नंबर 2 कि ये दोनों जो है, चारों जो है फ्लॉप देख के आ रहे हैं कंसिस्टेंसी में, सनी देओल भी, अमीषा पटेल भी, उत्कर्ष शर्मा भी और अनिल शर्मा भी। तो ये चारों का टाइम जो है इतना खराब चल रहा है, इतना खराब चल रहा है, लेकिन एक ही चीज का सहारा है इन चारों को, वो है गदर मूव, गदर 2 का। तो अब देखने लायक ये होगा कि गदर 2 की मूवी कैसी रहती है, और ये नैया पार करते हैं कि नहीं करते, जस्टिस करते हैं गदर 2 के। देखिए ये मूवी ऐसी है, पेट्रोटिक आप लगा के चलिए, कि मूवी ये ऐसी है कि मतलब हर हिंदुस्तानी देखना चाहता है, हर इंडियन मूवी देखेगा ये। और जो सनी देओल जी ने जो हैंडपंप उखाया था, वो तो एक अलग ही, मतलब आज तक लोग उस यूट्यूब पे देखते हैं, वो सीन कोई मिस नहीं करता। तो देखने लायक होगा कि सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट के कुछ जो माइनर से वीडियो क्लिप्स हैं जो लीक हुए थे, जिसमें उत्कर्ष शर्मा, नहीं मैं बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने कल ही थोड़ा सा पठान का मैंने सोचा था रिव्यू दूंगा, बट स्पॉइलर रिव्यू नहीं दूंगा, मतलब पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा। माइनर सी स्टोरी भी बताई तब भी मेरे फैंस ने, मेरे जो यूट्यूबर्स जो मुझे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने थोड़ा सा मुझे मैसेज करके बोला कि आपने स्टोरी रिवील कर दी, थोड़ा सा बताओ कि मूवी कैसे, लेकिन ये नहीं बताओ स्टोरी। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने देख लिया। सभी ने देखा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं देखा क्योंकि उन्होंने डिलीट कर दिया, यूट्यूब ने डिलीट करवा दिया, मतलब यूट्यूब से डिलीट हो गया हुआ है वो जो 2 मिनट की वीडियो, दो नहीं सॉरी 10-15 मिनट की वीडियो जो है मूवी की शूटिंग की लीक हो गई थी। 2 क्लिप्स लीक हुई थी, एक सनी देओल की और एक हुई थी उत्कर्ष शर्मा की, तो मैं बताऊंगा नहीं। तो एनीवेज अब देखने लायक होगा कि रिपब्लिक डे में ये, सॉरी इंडिपेंडेंस डे में ये मूवी क्या कैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती है। इंडिपेंडेंस डे में तो छुट्टी होती है, तो मुझे लग रहा है कि मूवी अच्छी बम्पर ओपनिंग लेगी। तो रिपब्लिक डे के दिन आज इन्होंने फर्स्ट लुक रिलीज किया है, तो देखने लायक होगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रिपब्लिक डे और बाय।